This conference will now be recorded. Okay, now students, now we are starting 2010 question number 8. Okay, अब हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं 2010 की, 5 ईयर. 2010 कंपनी का नेम है मिस्टर मास. ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड गिवन है और क्रेडिट साइड गिवन है. डेबिट साइड पे आपके सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड आपकी लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू आते हैं. और दोनों के उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज आती है वो आती है कॉन्ट्रा अकाउंट्स. फिर उसके बाद गिवन है डेटा फॉर एडजस्टमेंट्स, जिसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे हम फिर. अच्छा, और आपके पास 6 तरह के एडजस्टमेंट है: मर्चेंडाइज, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, सैलरीज, डेप्रिसिएशन और रेंट. अच्छा जी, अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. सबसे पहले आपने कॉलम बनाया मिस्टर मास, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, 2009. रुपीज 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 कॉलम बनाए. सेल्स लिखा आपने पहले 2 लाख. क्या लिखा आपने? सेल्स लिखा 2 लाख. कहाँ से आया सेल्स? ये लिखा हुआ आपके पास सेल्स 2 लाख. लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, ये 5000 सेल्स रिटर्न. तो 2 लाख में से 5000 आप माइनस करेंगे. 2 लाख माइनस 5000 कितना आ जाएगा? 195,000 आ जाएगा. ठीक है ना जी? कैसे आया? 3 कॉलम में. सेकंड कॉलम में लिखा आपने सेल्स 2 लाख, लेस किया सेल्स रिटर्न, तो क्या आ जाएगा? नेट सेल आ जाएगा आपका 195,000. फिर आप हेडिंग डालते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसका पूरा फॉर्मेट अगर गिवन हो तो आप एज इट इज कॉपी कर देते हैं, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है इसलिए आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे. कैसे आएगी? पहले लिखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग. ठीक है, ओपनिंग कितनी आ गई आपके पास? 60,000. ऐड करते हैं परचेजेस. परचेजेस कितना है आपके पास? देखिए, नॉर्मली जो परचेज होता है वो आपका थर्ड कॉलम में आता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन और आपका इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट में से कोई भी एक हो तो आपका ये आपका थर्ड कॉलम में आता है, वरना परचेज ही आपका नेट परचेज कहलाता है. 170,000 आपने यहाँ कॉपी करके नेट परचेज, परचेज के नाम से 170 जो कि सेकंड कॉलम में आया. इन दोनों को हमने ऐड किया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया 230,000. लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग. क्लोजिंग कहाँ से आई आपके पास? यहाँ लिखी हुई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिसंबर 31st 80,000. ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, आपने यहाँ कॉपी करी. लेस किया आपने तो क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 150,000. फिर नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,000. लेस करेंगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से. तो जो जो भी एक्सपेंसेस को देखने का तरीका ये होता है कि पहले आप ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस देखते हैं, फिर एडजस्टिंग में उसको प्लस माइनस करते हैं. अगर डेबिट होगा तो प्लस, क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे. तो पहले आपने देखा ट्रायल बैलेंस में आपको एक एक्सपेंस मिला सैलरीज एक्सपेंस 10,000 और एडजस्टिंग एंट्री में सैलरी एक्सपेंस आपके पास मौजूद है चौथी एंट्री में, डेबिट हो रहा है. अगर डेबिट होगा तो क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे. और क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो 10,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा? 14,000 आपका सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा. ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही एक्सपेंस था आपके पास. ठीक है, फिर एडजस्टमेंट से आप एक्सपेंस ढूंढेंगे. एक ही था सैलरी एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक ही एक्सपेंस मिला सैलरी एक्सपेंस. अब एडजस्टमेंट से एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं. कौन कौन से एक्सपेंस है देखिए लाइन बनाए. पहला मिला मुझे इंश्योरेंस एक्सपेंस 4,000, बैड डेट एक्सपेंस 600, सैलरी एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000. ये तीन एक्सपेंस और मिले, ये तीनों हमने यहाँ ऐड कर दिए. इंश्योरेंस एक्सपेंस 4,000, बैड डेट एक्सपेंस 600 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000. इन सबको प्लस करा कितना बना? 21,600 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नेट इनकम आ गई 23,400. फिर ऐड करते हैं अदर इनकम. क्या ऐड करते हैं? अदर इनकम. अदर इनकम में मुझे एक मिली रेंट इनकम. कहां से मिली देखते हैं भाई. इधर अभी ट्रायल बैलेंस में तो कोई इनकम नहीं है सिवाय सेल्स के. एडजस्टमेंट में देखते हैं कोई इनकम है तो लास्ट एडजस्टमेंट में हमें मिली रेंट इनकम 8,000 जो कि क्रेडिट हो रही है. तो एक ही एडजस्टमेंट में एक ही इनकम आ रही है खाली, और वो भी एडजस्टमेंट में आ रही है डायरेक्ट, उसको ऐड कर देंगे 8,000 से. 8,000 रेंट इनकम आ गई. नेट इनकम, जैसे हम कह सकते हैं आपकी
ऑपरेटिंग इनकम 23,400, इसमें ऐड करा रेंट इनकम 8,000, तो टोटल नेट इनकम आ जाएगी आपकी 31,400। ठीक है बच्चों, अच्छा, अल्लाह हाफिज। द लेक्चर हैज बीन गिवन बाय सर यासर।